रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार दोस्तों, आदाब, मैं हूं अरशद इकबाल, आपका स्वागत करता हूं आई वे यह रोशनी का कारवां में। कुछ महीनों के अंतराल के बाद ये कारवां एक बार फिर से आपके साथ है, एक नए सफर पर फिर से रवान दवा है। अपने पिछले प्रोग्राम्स में हमने कई ऐसी प्रतिभाओं से भेंट की, मुलाकात की, जो अपनी जिंदगी में सफल हैं और सक्षम हैं, और हमने ये जाना कि नजर न आना उनका नजरिया नहीं बदल पाया। दृष्टिहीनता से जुड़े इंटरव्यूज, रेडियो ड्रामास, फीचर्स और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक लाते रहे हैं इसी कारवां के जरिए। तो शुरू करते हैं इस कारवां के 10वें सीजन का पहला शो। दोस्तों, साइंस और मैथ्स का चयन कर पाना एक दृष्टिहीन बच्चे के लिए अब तक नामुमकिन समझा जाता रहा है। ऐसी सूरत में ये देखा गया है कि 8वीं के बाद ये सब्जेक्ट्स बहुत कम दृष्टिहीन बच्चे ऑप्ट कर पाते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने इस सोच को, इस चलन को चुनौती दी। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के कार्तिक साहनी की। 18 साल के इस युवक ने इसी साल साइंस और मैथ्स लेकर 12वीं की परीक्षा CBSE बोर्ड से दी, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उन्होंने 96% यानी 96% मार्क्स हासिल किए। और इनके आगे कई प्लान्स भी हैं। इनमें से एक है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाकर कंप्यूटर साइंस पढ़ना। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि इनसे कुछ बातचीत करते हैं और आवाज देते हैं अपने दोस्त जॉर्ज अब्राहम को। जॉर्ज नमस्कार, आज हमारे साथ हैं कार्तिक सोनी। आपने 12वीं कक्षा DPS से कंप्लीट किया है और आपने विज्ञान और गणित सब्जेक्ट्स किया था। जी, तो ये DPS स्कूल में अब कब से हैं? पहले मैंने NAB में शुरू किया, उनका जो इंटीग्रेशन प्रोग्राम है उसके अंडर क्लास 1 में मैंने DPS ईस्ट ऑफ कैलाश ज्वाइन किया, जो कि DPS आरकेपुरम की जूनियर ब्रांच है। ये DPS में जब आपने एंट्री किया, कुछ दिक्कतें थे, कोई चैलेंजेस था? या ये प्रॉब्लम था कि टीचर्स को एक्सपीरियंस नहीं था कि एक ब्लाइंड स्टूडेंट के साथ कैसे काम करना है, स्पेशली क्लासेस 1 और 2 में, क्योंकि टीचर्स प्रिफर करते हैं कि मोर इनोवेटिव वे से पढ़ाएं, यू नो, और जो तस्वीर वगैरह दिखाकर उन्होंने डिफरेंट तरीके अपनाए। अगर बाकी बच्चे कुछ ड्राइंग कर रहे हैं तो यूजिंग थ्रेड उसको करके उसके बीच में कलर करवाना, आई थिंक 2-3 मंथ्स में सब कुछ बहुत नॉर्मल हो गया था। ये लिखना और पढ़ना जो है, इसका जो समस्या है, चैलेंज जो है, कैसे आप लोगों ने एड्रेस किया? मैंने क्लास 2 से सिर्फ कंप्यूटर यूज किया है अपने सारा राइटिंग और रीडिंग के लिए, यहाँ तक कि मैथ साइंस भी मैंने कंप्यूटर पे किया है। इसके लिए आपने परमिशन लिया? जी। तो ये कंप्यूटर में आप जॉस यूज किया था, कुछ और यूज किया था? जॉस यूज किया था। अच्छा, और ये आपका हिंदी वगैरह? 4th, 5th, 6th, 7th में हिंदी भी कंप्यूटर पे किया है, लेकिन क्योंकि उस समय साफा में कुछ बग्स थे इसलिए मैं टेस्ट और एग्जाम्स कंप्यूटर पे नहीं देता था। आप स्क्राइब यूज करते थे? जी। तो स्कूल में पढ़ाई के अलावा कई और एक्टिविटीज होते हैं, तो आपके लिए शामिल होने का अपॉर्चुनिटीज था? ये एक बहुत बड़ा एक था DPS आर्किबन के पास, जो बहुत अच्छा लगता है कि वो आपको हर चीज में इन्वॉल्व करते हैं। तो अपने स्कूल में अगर मैं बात करूं, मैं म्यूजिक क्वायर में था, काफी सारे कॉन्सर्ट्स किए, मॉडल UN कॉन्फ्रेंसेस काफी सारे मैंने अटेंड किए। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन जो होते थे, नेशनल लेवल, इंटर स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन अटेंड किए, IT क्विजेस, पोएट्री कॉम्पिटिशन, तो ये सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। आपने भी ये मैथ्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था? क्लास में कुछ बच्चे थे जो कि नेशनल इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते थे, तो उन फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। क्लास 8 में मैंने शुरुआत की NTSC स्कॉलरशिप से, जो कि एक सरकार की स्कॉलरशिप है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। और उसके बाद मैंने 9th में जूनियर साइंस टैलेंट सर्च दिया, ये सारे कॉम्पिटिशन शुरू कर दिए। तैयारी के लिए स्कूल से आपको सपोर्ट मिलता था? एक्चुअली ये सब के लिए स्कूल में क्लासेस नहीं होती है, NTSC और JSTS गवर्नमेंट के एग्जाम्स है, तो आउट ऑफ स्कूल कोचिंग होती है, लेकिन बाकी जितने भी प्राइवेट ओलंपियाड हम देते हैं उसके लिए कोई कोचिंग नहीं मिलती। ये जो ओलंपियाड जो होते हैं जी, इसमें ब्लाइंड लोग या दृष्टिहीन लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, कोई एक्सेसिबिलिटी इश्यूज था या आपने इसके लिए पहले से ही उनसे कम्युनिकेट किया था? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काफी सपोर्टिव होते हैं, कुछ का दे हैव अ रादर रिजिड परसेप्शन, वो लोग कुछ करना नहीं चाहते। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन था जो भी ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करता है, वो मैं देना चाहता था, तो मैंने बोला कि क्योंकि मैं एक स्क्राइब यूज कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा जी। तो वो बात के लिए वो नहीं माने। मैंने उन्हें बोला तो टैक्टाइल डायग्राम्स दे दीजिए या फिर आप क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर दीजिए या फिर वर्कआउट हुए, उसके लिए भी वो लोग नहीं माने। तो जहां पर आपने भाग लिया और जहां पर आपको सक्सेस मिला, सफलता मिला, उनका रुख क्या था? वो बहुत अकोमोडेटिंग। क्या किया उन्होंने?
मुझे हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मिला था. स्क्राइब तो खैर स्कूल ही डिसाइड करता था जी. और जो फिगर वाले क्वेश्चंस थे वो मुझे नहीं करने होते थे जी. सो मेरा जो स्कोर होता था वो बाकी एवरेज जो बाकी क्वेश्चंस का है उससे होता था. हर पेपर में एक बैलेंस होता था फिगर और नॉन फिगर क्वेश्चंस में. तो वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो पहले से ही अपने जो पेपर सेटिंग कमिटी होती थी उसको इंस्ट्रक्शंस दे देते थे जी. मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन लगभग 5 से 6 महीने पहले शुरू हो जाता था दैट आई इंटेंड पार्टिसिपेटिंग. और ये जो बोर्ड एग्जाम्स जो 10वीं और 12वीं में होता है जी, वहां पर ये डायग्रामेटिक क्वेश्चंस वगैरह जो आते हैं उसमें आपका चैलेंजेस क्या थे? बोर्ड का पॉलिसी तो है कि अगर आप साइंस देते हैं 11th 12th में तो आपके आपको जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं उसके व्यू में दूसरे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि नॉन डायग्राम बेस्ड है. प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि मैंने अपने सारे एग्जाम्स कंप्यूटर पे दिए थे तो मैंने बोर्ड्स में स्क्राइब यूज नहीं किया. तो सीबीएसई का ये था कि हम आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे 15 मिनट पहले और आप उसे सब स्कैन कर लीजिएगा. सो मैथ्स और साइंस के लिए ओसीआर काम नहीं करता है. तो वो एक चैलेंज था कि मैं मेरे पास मेरा क्वेश्चन पेपर कैसे आए जी. और बोर्ड का ये भी रूल था कि अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप स्क्राइब यूज नहीं कर सकते जी. फाइनली मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर टाइप करना पड़ा जी. अपने एग्जाम से पहले स्कूल का ये मानना था क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे प्रैक्टिकल की भी नॉलेज हो. तो लैबोरेटरी में जब मैं जाता था तो आई यूज टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं सारा अपैरेटस छूकर देखूं कैसा है क्या है. और जो एक्सपेरिमेंट्स में आप बिना लाइक दूसरे सेंसेस को यूज करके कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स में मैं काफी एक्टिव रहता था. जैसे कि अगर आप अमोनिया का कॉन्फर्मेशन टेस्ट कर रहे हैं एक जो साइटेड बच्चा है वो भी स्मेल से ही जान पाता है क्योंकि एक अमोनियकल स्मेल आती है जी. अगर आप हाइड्रोजन का कर रहे हैं तो वो एक पॉपिंग साउंड आती है जो कि आप सुनते हैं. बाकी जो 100% विजुअल होते थे उनमें मैं पहले ही प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ पढ़ के जाता था. मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता था और जो मेरा दूसरा स्टूडेंट होता था जो मेरा पार्टनर होता था वो मुझे माइन्यूटेस्ट डिटेल्स दे रहा होता था कि नाउ देयर इज अ कलर चेंज देयर इज दिस एंड दैट व्हाटएवर इट इज. सुना है कि आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं. आपने इंडिया में पढ़ने का कोई प्लान किया था? विदेश में जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था. ये सब अगस्त 2012 में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे अमेरिकन स्कूल्स में अप्लाई करना है. ये इसलिए हुआ क्योंकि आईआईटी से अनफॉर्चुनेटली मुझे काफी नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आए. उन्होंने अलाउ तो कर दिया एक ब्लाइंड स्टूडेंट को कि वो एंट्रेंस एग्जाम दे देगा. रूल्स थे वो ये थे कि आपको एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट मिलेगा या फिर एक कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स का स्टूडेंट मिलेगा एज अ स्क्राइब. साइंस में बहुत सारे नोटेशंस होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, मैथ्स में इतने सिंबल्स आते हैं. वो बच्चा आपको कैसे पढ़ के सुनाएगा जिसने आज तक वो सिंबल कभी देखा ही नहीं है. आप मानते हैं कि अगर हर स्कूल में समझदारी और सहयोग हो टीचर्स का जी तो दृष्टिहीन बच्चे आराम से पढ़ सकेंगे? बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि एज सच विजुअल इम्पेयरमेंट मैथ्स और साइंस ना करने के कोई इम्पेडिमेंट नहीं है. बस जो जरूरत है वो थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा गाइडेंस की है. ये तो हुई इनसे बातचीत, लेकिन थोड़ा और अंदर झांक के देखते हैं कार्तिक की सफलता को देखकर उनके टीचर्स का क्या कहना है. मेरा नाम रूबी भट्टाचार्य है. मैंने कार्तिक को क्लास 8 में पढ़ाया है और 9th 10th में मैंने एक्स्ट्रा हेल्प उसको प्रोवाइड की है. स्कूल में नहीं, स्कूल के बाहर कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करती थी. जब उसको 12th में रिजल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई. और जब उसका स्टैनफोर्ड में हो गया तो उससे और ज्यादा खुशी हुई क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब रहा करता था कि उसका क्या होगा. उसने साइंस ले तो ली है पर आगे कर पाएगा या नहीं, क्योंकि वो हमेशा से मतलब छोटी क्लासेस से ही वो हमेशा ऑनलाइन में बहुत कॉम्पिटिशन देता था. वो चाइना भी जा चुका है, वहां पे भी सारे कॉम्पिटिशन जीत के आया है. मतलब ही वॉज ऑलराउंडर. तो बहुत दिल से मैं उसको दुआएं देती हूँ कि वो जहाँ पे भी जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा. मेरा नाम वनीता सैगल है. मैं क्लासेस 8, 9, 10 की हेडमिस्ट्रेस हूँ. कार्तिक मेरे साथ 3 साल रहा. कार्तिक एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्मार्ट लड़का है. पढ़ाई में वो अव्वल नंबर था. उसको वही पेपर्स देते थे जो दूसरे बच्चे करते थे और कार्तिक के मार्क्स हमेशा हमेशा ही वो ज़्यादा टॉप. कार्तिक शुरू से बहुत इंडिपेंडेंट रहा है क्योंकि वो जो कंप्यूटर में कर रहा होता था उससे क्या होता था कि उसको दूसरे टीचर की जरूरत नहीं होती थी. कार्तिक तो हमारे स्कूल का प्राइड एंड जॉय है. उसने तो एक्चुअली हम सबको रास्ता दिखाया है. सब शुभकामनाएं, सब बेस्ट विशेस कार्तिक के साथ है. हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कार्तिक. विश यू ऑल द बेस्ट. दोस्तों, इस इंटरव्यू को सुनकर आपको क्या लगता है कि कुछ हासिल करने के लिए मेहनत और सकारात्मक नजरिया जरूरी है या फिर दृष्टिहीनता को अपनी नाकामी का कारण बताते रहना? मेरे ख्याल से कार्तिक की जिंदगी देखने के बाद हमें ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाता है कि मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है. आपके लिए एक और खुशखबरी है मेरे पास. माफ कीजिएगा, मैं जरा बहक गया था. एक खुशखबरी वाकई है आपके लिए हमारे पास. इस रेडियो के जरिए तो हम आपसे हमेशा मिलते रहे, लेकिन अब
आईवे से आपकी मुलाकात होगी एक नई टेलीविजन सीरीज के जरिए जिसका नाम है नजर या नजरिया। 21 सितंबर से हर शनिवार सुबह 9:30 बजे जरूर देखिएगा नजर या नजरिया। ये शो आप तक आ रहा है दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क के जरिए। फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे। दिल्ली, हैदराबाद और बंगलुरु के शारीरिक रूप से निशक्त जनों के लिए खुशखबरी, टेक महिंद्रा फाउंडेशन का डी स्मार्ट सेंटर लाया है मुफ्त में ट्रेनिंग और नौकरी का सुनहरा अवसर। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें आई वे हेल्प डेस्क से, कॉल करें 0114607038। वेलकम बैक दोस्तों। लिखित सामग्री को दृष्टिहीन या अन्य प्रिंट डिसेबल्ड जनता तक पहुंचाने का रास्ता अब हो चला है और आसान। अब कोई भी प्रकाशित मटेरियल उपलब्ध करवाया जा सकता है ब्रेल, ई टेक्स्ट या ऑडियो फॉर्मेट्स में। इस पे तफसील से जानकारी दे रहे हैं साइट सेवर्स इंटरनेशनल के सोशल इंक्लूजन एडवाइजर केतन कोठारी। अभी पुस्तकें मिलाना एक्सेसिबल फॉर्मेट में दृष्टिबाधित लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पिछले साल हमारी सरकार ने कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल पास किया है जिसके कारण हमें किसी प्रकाशक की अनुमति देने की जरूरत नहीं है। किसी भी फॉर्मेट में चाहे ब्रेल, ऑडियो या इलेक्ट्रॉनिक में हम पुस्तकों को एक्सेसिबल बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसके कारण पुस्तकों की उपलब्धता बड़े पैमाने पे बढ़ गई है और वैश्विक स्तर पर भी आप एक जो नई संधि अभी पिछले 2 महीने पहले वाइपो ने अग्री की है मैराकश में, इसके कारण इंटरनेशनल ट्रांसफर यानी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों का ट्रांसफर भी काफी आसानी से हो रहा है। इसके कारण पढ़ना बहुत सुलभ हो रहा है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ना बहुत जरूरी है और इस जो कानूनी सुधार है इनका फायदा लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पढ़ने की आदत अपने अंदर डालना बहुत जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं आई वे हेल्प डेस्क से 0114607038 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच, या विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.iway.org। हमारे नए श्रोताओं को मैं बता दूं कि हर एपिसोड में हम आपसे पूछते हैं एक सवाल और हमारे कंप्यूटर जी चूज करते हैं उन सही जवाब देने वालों में से एक विजेता, जिसे आईवे की तरफ से दिया जाता है एक इनाम। और आज का सवाल है, इनमें से कौन सा असिस्टिव उपकरण मैथ्स और साइंस दोनों विषय पढ़ने में दृष्टिहीन छात्रों की मदद करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए व्हाइट केन यानी सफेद छड़ी, बी टेलर फ्रेम या सी नीला कलम। अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं एसएमएस या ईमेल के जरिए। अपने जवाब के साथ एपिसोड नंबर, आपका नाम और पता लिखना ना भूलें। एसएमएस के लिए हमारा नंबर है 9968329329, 9968329329 और हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org, radio@iway.org। तो मिलते हैं अगली बार अगले हफ्ते इसी समय इसी शो पर। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।